की शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए कानून को लेकर कहा, सीए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शाह ने कहा, इतिहास है जो भी बीजेपी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नामों को तय करने के लिए आज बैठक करेगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे आयोजित होगी, जिसके बाद नए आयुक्तों के नाम का भी ऐलान होने की संभावना है। चयन होने के बाद दोनों आयुक्तों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद 15 या 16 मार्च को चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की तरफ। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात देंगे। दिल्ली मेट्रो के दोनों ही नए कॉरिडोर्स के निर्माण पर 8000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, जिसमें केंद्र सरकार 4000 से ज्यादा की रकम की परियोजनाओं जो है आज ये जनता को समर्पित करने वाली है। मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी आज 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन भी वितरित करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं चौथी ब्रेकिंग, संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित सभी संगठन आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए संघर्ष पत्र का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उधर दिल्ली पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की पांचवी ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 30 सांसदों का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने 10 राज्यों की 72 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर सीट से, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को भी प्रत्याशी बनाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं छड़ी ब्रेकिंग, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 61वां दिन है और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी नासिक में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते नजर आएंगे। उधर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शरद पवार, संजय राउत भी शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे के बाद राहुल गांधी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। नासिक में उनका रोड शो होगा और जनसभा के बाद यात्रा का रात्रि शिविर पालघर में लगाया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली बड़ी खबर, ईडी की टीम संदेश खाली में एक बार फिर शेख शाहजहां के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाहजहां से पूछताछ के बाद आर्थिक लेनदेन की जानकारी मिली है, जिसके बाद ईडी ने यह छापेमारी की। ईडी संदेश खाली में एक साथ 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सुरक्षा कारणों से ईडी की टीम भारी केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ संदेश खाली पहुंची। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं बड़ी खबर, ब्लैंडफोर्ड जॉब केस में दिल्ली के ब्राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ब्राउज एवेन्यू कोर्ट को कहा कि वो इस मामले में 10 दिनों के अंदर पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि ब्लैंडफोर्ड जॉब केस, जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की थी। और अगली ब्रेकिंग, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम गोंडा में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मिश्रौलिया फ्लाईओवर समेत करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी कर सकते हैं और इसके साथ ही सीएम अंबेडकर नगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग 10 बजे की, दिल्ली के शास्त्री नगर में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 पुरुष, 4 महिला, 2 बच्चों को रेस्क्यू कर हेडगियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।